नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात साल 1983 की। साल 1983 में सौतन के रिलीज का वक्त आ चुका था। दो दिन बाद प्रिंट की डिलीवरी होनी थी और ओवरसीज प्रिंट की डिलीवरी हो भी चुकी थी। रिलीज वाले शुक्रवार से 6 दिन पहले शनिवार को एक ट्रायल शो रखा गया और इससे पहले ही एक अच्छी खबर आ गई थी कि मोहन कुमार निर्देशित राजेश खन्ना की अवतार को जबरदस्त ओपनिंग मिली है और फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। एक बुजुर्ग पिता के रोल में राजेश खन्ना के जानदार परफॉर्मेंस पर दर्शक और फिल्म समीक्षक फिदा हो गए थे। अवतार एक सरप्राइज सुपरहिट साबित हुई। बुरे दौर के बाद कामयाबी फिर से अचानक आई थी। राजेश खन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं था। सौतन के ट्रायल शो के लिए राजेश खन्ना ने खासतौर पर शक्ति सामंत और रमानंद सागर को बुलाया था। फिल्म के बाद राजेश खन्ना ने दोनों के साथ फिल्म पर चर्चा की। अवतार की कामयाबी के बाद वो अब सौतन में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। ये उनके ढलते हुए करियर को वापस चमकाने का सुनहरा मौका था। सावन कुमार बताते हैं कि करीब 20 मिनट के बाद काका जी आए और बोले, आओ सावन घर चलते हैं, एक एक ड्रिंक हो जाए। मैंने पूछा, क्या हुआ काका जी? बोले, कुछ नहीं, आओ घर चलो। आशीर्वाद पहुंचकर राजेश खन्ना ने सावन के लिए ड्रिंक बनाया, मगर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। सावन कुमार उन दिनों को याद करते हुए बात की अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि बहुत पूछने पर राजेश खन्ना ने कहा, और मैंने कहा, काका जी क्या हुआ यार, अब क्या इम्तिहान ले रहे हो आप? बोले, कुछ नहीं, मुझे शक्तिदा और रामन सागर ने एक बात कही है, सावन जी आपको चेंज करना पड़ेगा। मैंने पूछा, क्या चेंज करना पड़ेगा? मुझे पता तो चले आखिर गलती क्या है। तो बोले, देखो सावन जी, मैं राजेश खन्ना हूं, मैं बड़ा स्टार हूं और इन दोनों लड़कियों से मैं बड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं आखिर इस क्लाइमेक्स में, आप बताइए मुझे। राजेश खन्ना की बात सुनकर सावन कुमार के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। राजेश खन्ना पहले भी फिल्म देख चुके थे और उस समय उन्हें इन बदलावों की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई थी। फिल्म की रिलीज बेहद करीब थी, प्रिंट डिलीवरी के लिए जाने को तैयार थे। बेहद परेशान होकर सावन ने उनसे पूछा, आप क्या चेंज करना चाहते हैं? वो बोले, आप सोचिए, कुछ तो करना चाहिए, आप सोचो और मुझे बताओ। इसके जवाब ने सावन की जो परेशानी थी उसे और बढ़ा दिया था। वो बदलाव चाहते थे लेकिन वो क्या होगा उसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। सावन ने लाख समझाया लेकिन राजेश खन्ना का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। सावन जी, वो दोनों यानी कि शक्ति सामंत और रामानंद सागर, वो दोनों बेवकूफ नहीं हैं, सीनियर लोग हैं, तुमसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं उन्होंने। मैंने कहा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कुछ, उन्होंने बनाई होंगी फिल्में लेकिन ये फिल्म मैंने दिल से बनाई है और इसमें मैं गलत नहीं हूँ, ये फिल्म आपके करियर में चमत्कार करेगी, सावन कुमार ने कहा। राजेश खन्ना मानने को तैयार ही नहीं थे। आखिरकार सावन ने कह दिया कि वो फिल्म में कोई बदलाव नहीं कर सकते। घर से जाते समय उन्होंने राजेश खन्ना से पूछा कि गुरुवार को दिल्ली में सौतन के प्रीमियर पर क्या वो आ रहे हैं? उन्होंने कुछ पल के लिए मेरी तरफ घूरा और फिर बड़े गुस्से से बोले, नहीं। सावन कुमार उस दिन को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताते हैं, विजय कॉल सावन कुमार को गेट तक छोड़ने आए। वो बोले, अभी बात मत करो, काका अच्छे आदमी हैं मगर कभी कभी एक मिनट के लिए होश खो देते हैं। सावन ने जवाब दिया, मैं जानता हूं लेकिन वो एक मिनट उनकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाता है। बस एक मिनट ने पहले भी उनके करियर को बहुत नुकसान पहुंचाया और अब भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगले 3 दिन तक राजेश खन्ना और सावन कुमार की कोई बात नहीं हुई। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या ना करें। बुधवार की सुबह विजय कॉल सावन के दफ्तर में आए। उन्होंने सावन से कहा कि वो राजेश खन्ना को फ़ोन करें। मैंने काका जी को फ़ोन लगाया तो बोले, कहाँ हो यार तुम, कहाँ गायब हो जाते हो, और ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पलटी मार गए एक मिनट में, मैं भी हंस पड़ा। बोले, कल चल रहे हैं ना दिल्ली? मैंने कहा, हाँ ज़रूर, रिमाइंड करने के लिए आपको फ़ोन किया था। प्रीमियर के लिए दिल्ली पहुंचने पर राजेश खन्ना ने खुद डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करके फिल्म की रिपोर्ट के बारे में पूछा। डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हें बढ़िया एडवांस बुकिंग के बारे में बताया तो राजेश खन्ना का चेहरा
खुशी से खिल गया। फिर उन्होंने पूछा, शीला का क्या हाल है? शीला उस जमाने में दिल्ली का मशहूर सिनेमाघर। वो बोले, शीला में तो आप घुस ही नहीं सकते, इतनी भीड़ है। और ऐसी कामयाबी की खबर बहुत दिनों के बाद आई थी। सावन कुमार ने राजेश खन्ना से शीला थिएटर चलने को कहा। खुशी में राजेश खन्ना फौरन मान गए। टीना मुनीम भी साथ हो ली। सावन कुमार, राजेश खन्ना और टीना लगभग 3,000 लोगों की भीड़ को पार करते हुए शीला थिएटर में घुसे। इंटरवल पर वहां पर जल्दी से एक छोटा सा स्टेज लगा दिया गया। राजेश खन्ना ने कहा कि वो सबसे पहले स्टेज पर जाना चाहते हैं। सावन कुमार ने कहा कि बात के दिनों में इंटरव्यू में, मैंने कहा आप ही जाइए, आप ही का है सब कुछ, डायरेक्टर को कौन जानता है। तो वो ये बात उन्हें चुप गई। माइक अपने हाथ में लेकर वो जनता से बोले, इनसे मिलिए, ये हैं सावन कुमार, इन्होंने बनाई है ये फिल्म। जब उसके अंदर का इंसान जागता था तो उनसे बड़ा दिलवाला कोई नहीं था। फिर काका बोले, जानते हो ना ये फिल्म इन्होंने कैसे बनाई? वो बोले, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। ये फिल्म में प्रेम चोपड़ा का डायलॉग था जो हिट हो गया। राजेश खन्ना के मुंह से इस डायलॉग के बाद तो इतना शोर मचा कि कुछ उस हॉल में सुनाई ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे थिएटर में तूफान आ गया हो। लेकिन इस बार कामयाबी के शोर से राजेश खन्ना घबरा नहीं रहे थे। इस शोर का तो उन्हें जाने कब से इंतजार था। बड़ी मुश्किल से लम्हे वापस आए थे। जब कामयाबी फिर उनके कदमों में थी, बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा था। सावन कुमार वहां से जल्द निकलना चाहते थे, मगर राजेश खन्ना तो भीड़ की तरफ देखते हुए अपने ख्यालों में खोए हुए थे। उन लम्हों में राजेश खन्ना ने सावन कुमार की तरफ देखा। राजेश खन्ना की आंखें खुशी से नम थीं। उनके दीवाने फैंस वापस लौट आए थे। एक साथ दो फिल्मों की शानदार कामयाबी के बाद इंडस्ट्री में हर तरफ राजेश खन्ना की गूंज थी। दोनों फिल्मों में उनके बिल्कुल अलग किस्म के किरदार थे। फिर इसी साल आई फिल्म अगर तुम ना होते ने कामयाबी की हैट्रिक पूरी कर दी। तकरीबन इसी दौरान आई बी सुभाष की ब्लॉकबस्टर डिस्को डांसर में भी राजेश खन्ना मेहमान भूमिका में थे। फिल्म में उन पर फिल्माया गया गीत गोरों की ना कालों की दुनिया है दिलवालों की बहुत मशहूर हुआ। साल 1983 का साल राजेश खन्ना के नाम रहा। कई बार अच्छा वक्त बिगड़े रिश्तों की सिलवटें दूर कर देता है। इन फिल्मों की कामयाबी के बाद स्टार एंड स्टाइल पत्रिका में देवयानी चौबल के कॉलम का शीर्षक था, आई टोल्ड यू सो, द रिटर्न ऑफ राजेश। राजेश खन्ना को उस साल फिल्मफेयर के बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन ये अवार्ड फिल्म मासूम के लिए नसीरुद्दीन शाह को मिल गए। अवतार की अहमियत सालों बाद फिर सामने आई जब 2003 में अमिताभ बच्चन को लेकर बीआर फिल्म्स ने इसी स्टोरी आइडिया पर फिल्म बागबान का निर्माण किया। राजेश खन्ना के करीबी दोस्त बताते हैं कि जब 70 के दशक में राजेश खन्ना को चमत्कारिक सफलता मिली थी तो वो इतनी अप्रत्याशित थी कि उसे समझने में ही काका को काफी समय लग गया था। उस समय उनकी जिंदगी में घटनाएं बहुत तेजी से घटी थीं कि वो उस कामयाबी का मजा ही नहीं ले पाए। अब दोबारा आई कामयाबी के दौर में वो सही मायने में खुलकर इसे जी रहे थे। लेकिन फिल्म पत्रकार हरमीत कथूरी को दिए एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा, मुझे मालूम है कि हाल के कुछ सालों में कई अक्लमंद लोगों ने यह कहा है कि मेरे बुरे वक्त की जिम्मेदार मेरी बुरी आदतें और बासी एक्टिंग है। मुझे अपना बर्ताव बदलने की सलाह दी गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वाकई कुछ बदला है तो वो ये है कि पिछले एक साल से मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। दरअसल मेरी निजी जिंदगी बेहद खुशगवार हो गई है, इसलिए अब मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा। इसका मेरी फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। इस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने अपने अंदर आए खुशनुमा बदलाव की वजह अपनी बेहतर हो चुकी निजी जिंदगी को बताया। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ जाहिर था कि इशारा किसकी तरफ था। उन्होंने टीना मुनीम के साथ कई फिल्में साइन कर ली थीं और अपने रिश्ते को दोनों छिपाते नहीं थे। फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान को दिए एक मशहूर इंटरव्यू में अपनी इसी नई मोहब्बत को बयां करते हुए राजेश खन्ना ने वो बयान दिया जिसे आज तक लोग भूले नहीं हैं। राजेश खन्ना ने टीना मुनीम को लेकर कहा कि हम एक ही टूथब्रश शेयर करते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।